खेल संग्राम में आपका स्वागत है। आईपीएल सीजन 9 के 30वें दिन के दूसरे मुकाबले में गुजरात लॉयंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। गुजरात लॉयंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी नाइट राइडर्स की शुरुआत लड़खड़ाती हुई नजर आई। कप्तान गंभीर को 5 के स्कोर पर प्रवीण कुमार ने बोल्ड किया और मनीष पांडे को भी बिना कोई रन बनाए विकेट कीपर कार्तिक के हाथों कैच करा पवेलियन लौटाया। अगले ओवर में 14 रन पर खेल रहे रॉबिन उथप्पा को धवल कुलकर्णी ने कार्तिक के हाथों कैच करा नाइट राइडर्स को तीसरा झटका दिया। सूर्य कुमार भी 4 के स्कोर पर डेविन स्मिथ की गेंद पर रैना को कैचते बैठे, लेकिन इसके बाद शाकिब और यूसुफ पठान ने 14.1 ओवर में 134 रन जोड़े। शाकिब ने 49 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगा 66 रनों की नॉट आउट पारी खेली। वहीं यूसुफ पठान भी 41 गेंदों में 1 छक्का और 7 चौके लगा 63 रनों पर नॉट आउट रहे। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 158 रन बनाए। प्रवीण कुमार ने 2 विकेट झटके, वहीं स्मिथ और धवल ने 1-1 विकेट चटकाए। जवाब में उतरी गुजरात लॉयंस को स्मिथ और मैकॉलम ने 5.3 ओवर में पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़ अच्छी शुरुआत दिलाई। 18 गेंदों में 1 छक्का और 4 चौके लगा 27 रन पर खेल रहे डेविन स्मिथ को शाकिब ने बोल्ड किया। 24 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौके लगा 29 रन पर खेल रहे मैकॉलम को चावला ने पांडे के हाथों कैच करा लॉयंस को दूसरा झटका दिया। कप्तान रैना को 14 के स्कोर पर रसेल ने हॉज के हाथों कैच करा चलता किया। 29 गेंदों में 1 छक्का और 8 चौके लगा 51 रनों की पारी खेलने के बाद दिनेश कार्तिक ब्रेड हॉज की गेंद पर स्टंप हुए। टेरॉन फिंच 10 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौके लगा 29 रन बना रन आउट हुए। जडेजा 9 और ब्रावो 0 पर नॉट आउट रहे और इस तरह गुजरात लॉयंस ने 18 ओवर में ही 5 विकेट पर 164 रन बना लक्ष्य हासिल कर लिया। चावला, हॉज, शाकिब और रसेल ने 1-1 विकेट चटकाए। 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट झटकने वाले प्रवीण कुमार मैन ऑफ द मैच बने। आईपीएल 9 में आज देखिए किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।